Hi everyone, welcome back to this channel. This is O2IS Academy and my name is Kritika. So, आज आगे बढ़ने वाले हैं हम अपनी द बलोकरा सीरीज के साथ में. सो हम जगमोहन बलोकरा की लिखी गई वंडरलैंड को यहाँ पर कवर कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अब जो हम जानते हैं कि जो HP GK है आपका, जो जितने भी हिमाचल के एग्जाम्स रहते हैं वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इसका आता है, और इसका जो अल्टीमेट सोर्स है वो हमारे पास ये वंडरलैंड ही है. लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए नहीं बनाई गई थी, एक इंसाइक्लोपीडिया है. बहुत तरह की ऐसी भी बातें हैं जो हमारे काम की नहीं है, तो यहाँ पर वही हम कर रहे हैं, इसको कंपाइल कर रहे हैं और चीज़ें जो डेटा इधर उधर है उसको इकट्ठा करके करने वाले हैं. इससे पहले ऑलरेडी हमने वंडरलैंड के 9 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. इसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सब चीज़ें हमने की. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी. उसके अलावा आज क्या इंटरेस्टिंग है, आज हम 3 चैप्टर कवर करने वाले हैं. यूजुअली मैं एक को काफ़ी टाइम ले लेती हूँ, लेकिन आज हम 3 कवर करने वाले हैं, 10, 11 एंड 12. तो इसमें आपके एक आपका स्टेट पॉलिटिक्स आ जाता है जो एग्ज़ाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. विधानसभा के बहुत सारे इलेक्शंस का उसमें लेखा जोखा दिया गया है. फिर आपका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड फाइनली आपका पंचायती राज सिस्टम है. सो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पंचायती राज एक्ट के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपका इम्पॉर्टेंट है. बाकी ये हमारा 34 लेक्चर चल रहा है और जो आगे भी है, हम हिमाचल को अच्छे से यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ताकि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपको कुछ और सोर्सेज में इधर उधर अपना हाथ पैर मारने की ज़रूरत ना पड़े, राइट? सो इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी और हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट? जो रही बात HPS की नोटिफिकेशन के बारे में, सो वो कोई भी नहीं जानता कब आएगी. वैसे जुलाई में होने वाला था एग्जाम, सिंस पेंडेमिक चल रहा है तो वी हैव नो क्लू कि कब होगा, कब नोटिफिकेशन आएगी. बट दैट मीन्स दैट यू हैव मोर टाइम, तो ढीला नहीं पड़ना है. अपनी जो तैयारी है आपने सोचना है कि जो आपके पास में मटीरियल पड़ा हुआ था, जो आपका रह जाने वाला था, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जिसको थोड़ा सा और वक्त चाहिए था, वो वक्त आपको मिला है, तो तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा. इन लेक्चर्स के PDF आपको कहाँ मिलते हैं, हमारी ऐप के ऊपर. ऐप में एक सेक्शन है जिसका नाम है स्टडी मटेरियल, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. उसके अलावा और भी स्टडी मटेरियल जो फ्रीली अवेलेबल है उसको आप चेक कर सकते हैं, राइट? देन टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आई ऑलवेज मेंशन कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, सिंस HPS का एग्जाम है, हज़ारों ढेरों पासेज हैं, देन आपके वैलीज हैं, ये आपको याद कैसे होते हैं? ईदर यू आर विजिटिंग देम, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर एक को विजिट करें, और यू आर अटेम्प्टिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. सो दैट इज़ वाई हम लोग आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं. एक है HPS की टेस्ट सीरीज, इसमें बेसिकली आपका GS पोर्शन जो है वो पूरा कवर होता है, और एक ये टेस्ट सीरीज आई है नई, जिसमें 1500 प्लस क्वेश्चन है सिर्फ हिमाचल GK के ऊपर. जो आपका जैसे ज्योग्राफी है तो उसमें 3 टेस्ट आते हैं हिमाचल GK के ऊपर, हिमाचल ज्योग्राफी के ऊपर. तो जो पहले 3 टेस्ट है दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आर ऐप, उनको आप अपीयर कर सकते हैं. अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं. उसके अलावा इसमें आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं, जो आंसर आपको PDF में भी आंसर मिलता है, उसके अलावा जो है वहाँ पर वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है. देन इज एक साल का करंट अफेयर्स एंड दी अदर जो भी इसके फायदे हैं उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. तो पहली चीज़ क्या है, हमारा स्टेट पॉलिटिक्स. अभी स्टेट पॉलिटिक्स में क्या है, मैंने बहुत बार इस हिस्ट्री को कवर कर दिया है, बहुत बार रिपीट कर दिया है, ये मैं नहीं बताऊंगी. लेकिन एक ऊपर से हम चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, लाइक हिमाचल प्रदेश को अगर हम देखें, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना 48 में, 52 में क्या बना, पार्ट सी स्टेट बना, 56 में आते आते UT बना, एंड फाइनली 71 में आते आते ये बन गया आपका स्टेट. सो इसमें आपके विधानसभा के इलेक्शंस का लेखा जोखा दिया गया है, इसमें दिया है सारे के सारे मेंबर्स के नाम, कितने सीट्स थे, कैसे था, ये सब चीज़ें आपने नहीं पढ़नी है. ये जो 100 पेज हैं इनको फॉर हेवन से एक मत पढ़िएगा, क्योंकि ये टाइम वेस्ट हो जाएगा. कोई फ़र्क नहीं है, कुछ भी एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंस से वहाँ पर नहीं है, ठीक है? जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि हमने क्या देखा था कि आपका जब 1956 में
क्या बना, यूटी बना। तो यूटी में एक टेरिटोरियल काउंसिल हुआ करती थी। टेरिटोरियल काउंसिल को जो है वहाँ पर बाद में एक्ट आते हैं और क्या बन जाता है, वो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट कर दी जाती है। सो उस वक्त आपके इलेक्शन से सिंस उसको फिलअप किया गया था, तो उसमें आपके 40 आप देख सकते हैं 43 मेंबर्स थे, जिनमें से 2 नॉमिनेटेड थे और जो आपके बेसिकली 41 हैं उनको इलेक्ट किया गया था। तो ये एक अच्छा स्टेप था। इसी तरीके से ये जो असेंबली की सीट्स हैं ये बढ़ती जाती हैं 1966 में। ये क्यों बढ़ती है, बढ़ती इसलिए है 66 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। अब बहुत सारा एरिया जो है पंजाब में हुआ करता था पहले, उसको हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया, तो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इंक्रीज कर गई 256, जिसमें से अगेन जो 2 हैं वो नॉमिनेटेड थे। देन इज फर्दर आपके हाउस की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है, एंड जो अभी है, अभी की हम बात करें कितनी है, 68 है आपकी। सो हम ये देखते हैं जब हमें स्टेटहुड मिला था उस वक्त हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी, उन्होंने वहाँ पर उसको स्टेटहुड दिया था हमें, और रिज के ऊपर ऊपर से स्नो पड़ रही थी, बहुत ही खूबसूरत एक दृश्य है। तो उसके टाइम पे क्या हुआ, जो असेंबली की सीट्स हैं वो बढ़कर कर दी गई 68। सो ये 68 आज तक भी 68 ही हैं। तो ये तो आपकी असेंबली की सीट्स आ गई। बाकी उसके अलावा अगर हम आपकी पार्लियामेंट्री सीट्स की बात करें तो वो कितनी है, वो हमें पता है कि हमारे पास में 4 हैं। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये हैं आपकी 68 एंड देन दी अदर वन, ये आपकी जो 4 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं। सो इनके बारे में, लेकिन अब आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हर साल कौन 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 सी सीट पे बैठा था, कौन जीता था। दो मैंने देखा है कि एक क्वेश्चन, देर इज अ टीनी टाइनी चांस कि आपका एक क्वेश्चन इलेक्शंस में से पूछ लिया जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जैसे कहीं पर भी इलेक्शन थे तो वहाँ पर हाईएस्ट मतलब किसने नाम पे आ जाता है लीडर के कि किसने टॉप किया या इस तरीके का। लेकिन अगर आप वो एक क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं देर इज़ नो इशू, इलेक्शंस याद नहीं करने हैं, ठीक है। फिर आता है आपका इसमें बस इतना ही था बेसिकली स्टेट पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल हिस्ट्री में। एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट मुझे देखने को मिला वो था द चेंबर काउंसिल। अब चेंबर काउंसिल क्या है, जहाँ पर आपका जो बिल्डिंग है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो बैठती है। इसका नाम याद रखना है काउंसिल चेंबर। इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हिस्ट्री में हम काफ़ी पहले से जाते हैं, 1925 में इसको बनाया गया था। तो 1925 आपके ब्रिटिशर टाइम की हम बात करते हैं, और क्या हुआ कि वहाँ पर अब सिंस हमने समर कैपिटल जो है ब्रिटिशर्स ने वो शिमला को बना दिया था, हार्श जो गर्मी पड़ रही थी दिल्ली में उससे बचने के लिए वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनानी शुरू की। सो उस वक्त जो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग, तो उन्होंने इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया था। उसके बाद में बहुत सारी एक रिच हिस्ट्री है, बहुत तरह तरह की सेंटर की आपकी असेंबलीज बैठती हैं पंजाब के पास, ये काफ़ी टाइम के लिए जाता था पंजाब की असेंबलीज। देन हम यूटी थे तो यूटी में टेरिटोरियल काउंसिल इसमें बैठा करता था। देन फाइनली वी बिकेम दी स्टेट, एंड दैट इज़ द टाइम जब इसमें आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के हाउस जो है बैठने लगे, ठीक है। इसमें एक और चीज़ क्या है कि उस वक्त ना स्पीकर को प्रेसिडेंट कहा जाता था, तो प्रेसिडेंट जिस चेयर पे बैठता था, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चेयर को किसने गिफ्ट किया था, द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा ने उस वक्त गिफ्ट किया था। टीक वुड की बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत है। तो हिस्ट्री आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर ये रखी हुई थी। इसके अगर हम ये आप देख सकते हैं टॉप, ये ना मोनार्क के जैसे हुआ करता था पहले पॉइंटी वाला, उसको हटा कर यहाँ पर जो है जब आपका इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया तो हमारा एम्बलम लगाया गया, विच इज़ लाइक कि डेमोक्रेसी है, दिस इज़ नॉट लाइक द हेड ऑफ द स्टेट और एनीथिंग, बट दिस इज़ मोर ऑफ एन ऑनर कि ये यहाँ पर हमारे स्पीकर जो हैं वो बैठेंगे, राइट। तो ये थी आपकी सारी की सारी स्टेट पॉलिटिक्स 10th चैप्टर की बात। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, फिर से नहीं पढ़ना है, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। अगेन टॉकिंग अबाउट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, इसमें भी आपके करीब 100 पेजेस दिए गए हैं, वो 100 पेजेस बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। सिंस जो ऑथर हैं वो, अगर आप ऐसे इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहते हो, एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी पहले से बात करते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो अब कौटिल्य को उन्होंने यहाँ पर कोट किया है और कहा है जो किंग है उसकी हैप्पीनेस कहाँ होती है, उसके सब्जेक्ट्स में, जो उसकी प्रजा है जब वो खुश रहती है उसी में उसको भी खुशी मिलती है। तो जो आपके ऑथर हैं उन्होंने शुरू भी कौटिल्य से ही किया है कि वहाँ पर कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, फिर आपके कोतवाल हुआ करते थे, दरोगा होते थे, चौकीदारी सिस्टम चलता था, मुगल्स के टाइम पर किस किस तरीके से जो है आपका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन चला, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वो नहीं पढ़ना है। ट्रेनिंग की बात की है, 100 तरीके की बातें की है, नहीं पढ़ना है, राइट। क्या पढ़ना है, तो पढ़ना ये है
कि सबसे पहली चीज आती है ये, आपको चार्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, याद करने को बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, एक बार देख लेना है। डीजीपी, हिमाचल का एक डीजीपी होता है, देन इस तरीके से आपके पांच आगे सब डिविजन होते हैं और इस तरीके से एसपी तक पहुँचते हैं, ठीक है। ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आप अगर इनकी साइट भी खोलेंगे, हिमपोल उसे कहते हैं, उस पर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से पोर्टल बनाया गया है, वहाँ पर आपको सारी की सारी जानकारी मिलती है। तो हमें डीजीपी पता होना चाहिए, कौन है डीजीपी, वो है अभी हमारे आईपीएस संजय कुंडू, सो इनका नाम पता होना चाहिए। फिर आते हैं आगे, ये उनके पोर्टल पे ही दिया गया है मिशन। अब मिशन क्या होता है पुलिस का, मिशन एंड विजन जो है आपका, जो एनवायरनमेंट है उसे सेफ रखना, सिक्योर कर रखना, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका पालन करना है, उसको लोगों को यहाँ पर पालन करने देना है। सो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत पोर्टल बनाया गया है। इनफैक्ट अगर आप इसे खोलेंगे ना, तो वहाँ पर आपको डेट वाइज भी मिल जाता है, जैसे आप एक डेट एक विंडो के अंदर अगर मांग सकते हैं कि इसमें कितने क्राइम्स हुए हैं, तो वो आपको एक जिप फाइल देता है, उसमें आप देख सकते हो कि जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितने मर्डर हुए हैं, कितने साइबर क्राइम हुए हैं, जो आपके एट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन है, अगेंस्ट चिल्ड्रन है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट की जाती हैं और पूरा अप टू डेट रहता है। तो ये है आपके पुलिस पोर्टल की बात, और जो है ये उनका ऑब्जेक्टिव रहता है। आजकल भी अगर हम बात करें, सिंस ये पेंडेमिक का यहाँ पर इशू रहता है, तो पेंडेमिक में भी नो डाउट जो आपका मेडिकल स्टाफ है वो आपके फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, बट सो आर दी पुलिसमैन एज वेल, वो भी यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं आगे खड़े होकर। बहुत तरह की चीज़ें हैं, सिंस दिस इज़ द हार्डर टाइम नॉट फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड, सो दे हैव देयर ओन शेयर टू कॉन्ट्रीब्यूट हेयर एंड वी आर थैंकफुल टू देम, राइट। ट्रेनिंग की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है। सो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो आपका डरो में है, इसको बहुत से रिवॉर्ड्स मिले हुए हैं, ये हमने करंट अफेयर में अक्सर मैं इसको इसकी बात जो है करती रहती हूँ, ठीक है। पहले ये रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, आपका प्रॉपर ट्रेनिंग फुल फ्लेज ये काफ़ी लेट जाके बना है। तो पहले कहाँ था, ये चंबा में था, चंबा से ये 1974 में जुन्गा में शिफ्ट हुआ, जुन्गा आपका शिमला में आता है, और फिर ये जुन्गा से कहाँ शिफ्ट हुआ, ड्रो में जो आपका कांगड़ा में है, और वहाँ पर ये फुल फ्लेज एक पुलिस ट्रेनिंग सिस्टम वहाँ पर बन गया, कॉलेज बन गया। इसको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं 2018-19 में इसको जो आपका जोनल नॉर्थ जोन रहता है उसमें यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी मिली है। तो ये अक्सर मिलती रहती है, हर साल ही मिलती है, लेकिन कैटेगरी याद होना चाहिए। जैसे आप 18-19 में देखें तो कांस्टेबल कैटेगरी में मिली है, और उसके अलावा अगर हम 17-18 में बात करें तो नॉन गजटेड ऑफिसर कैटेगरी में मिली है। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स भी हैं यहाँ पर जिनको आपके जो मेडल ऑफ एक्सीलेंस है पुलिस ट्रेनिंग में वो भी मिला है। सो ये चीज़ें जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा देख लेना है और पता होना चाहिए कि कहाँ पर है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, ये आपका ड्रो में है, कांगड़ा में, राइट। फिर हम बात करते हैं बटालियंस की। तो हमारे पास में 7 बटालियंस हैं, जिनमें से एक तो आपका HPAP यानी कि हिमाचल प्रदेश आर्म पुलिस आ गई, और फिर आ गए आपके 6 इंडियन रिजर्व बटालियन। सो जो ये रिजर्व बटालियन है ये बेसिकली आपका सेंटर के बटालियंस रहते हैं जो हेल्प करते हैं स्टेट पुलिस को पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने में। अब जैसे आजकल पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो HPAP अकेले वहाँ पर नहीं हैंडल कर सकता है सब कुछ, तो ये जो आपके 6 इंडियन रिजर्व बटालियंस हैं यहाँ पर हेल्प करते हैं। ये भी अगेन जब हमें स्टेटहुड मिला 1971 में, उस वक्त की बात है जब इस बटालियन को यहाँ पर बनाया गया। देन थोड़ा सा अगर आप देखना चाहते हैं, एक बार देख लेना है, ऐसा नहीं है कि पूछा पक्का ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल आ जाता है लेकिन अक्सर पूछ भी लिया जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको PDF में दिया है ताकि आप जब देखें तो एक बार गो थ्रू कर लें, ठीक है। जैसे स्टेट का फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, उसको कब सेटअप किया गया, उसको 1988 में सेटअप किया गया, शिमला में किया गया, लेटर उसको जुन्गा को शिफ्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर 6 आपके डिविजन्स हैं जो फंक्शनल हैं, तो वो आपके बायोलॉजी है, देन केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, फिजिक्स एंड बैलिस्टिक्स। सेम बातें आपकी जगमोहन मलोकरा की लिखी गई वंडरलैंड में है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही डिटेल में है, हर चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है जो हमारे काम की नहीं है, इसी की वजह से मैं आपको आइडिया सा दे रही हूँ। और भी अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें, जैसे आपका HP पुलिस वायरलेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये 1954 में एग्जिस्टेंस में आया था। देन विजिलेंस डिपार्टमेंट है,
1965 में आया, और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये आपका 1981 में आया। इनके फंक्शंस ऑलरेडी अगर आपने पॉलिटी रिवाइज कर ली है तो आपको ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो आपने देख लेना है एक बार। जैसे वायरलेस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो वो वायरलेस कम्युनिकेशन और क्रिप्टोग्राफी के साथ में काम करेंगे। फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है तो जो भी आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो कहाँ जाता है कैसे जाता है उसका जो लेखा जोखा है वो ये लेते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं ईडी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया पोर्टल। तो जैसे मैं बात भी कर रही थी, हिमाचल प्रदेश का पुलिस वेब पोर्टल बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और अवार्ड भी इसको मिले हुए हैं। तो यहाँ पर इसको हम हिमपोल कहते हैं और ब्रॉन्ज आइकन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी, तो ये यहाँ पर इसको मिला हुआ है। तो मतलब ये बेसिकली कि जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिजिटलाइज इसको किया गया है। आप FIR करना चाहते हैं, आप कंप्लेन करना चाहते हैं, सब कुछ जो है ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन ट्रैफिक चलान पुलिस भी है, सिस्टम भी है, पूरा का पूरा वो भी है। किसने डेवलप किया है तो ये आपका नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। तो एक बार खोल लीजिएगा, एक बार खोल लोगे तो 10 चीज़ें और अच्छी अच्छी मिल जाएंगी देखने के लिए। सो फाइनली आर लास्ट चैप्टर इज 12th, जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज सिस्टम के बारे में बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। सिलेबस जब भी हम HPPSC में देखते हैं, HAS का देखते हैं, उसमें अलग से पंचायती राज सिस्टम को मेंशन किया गया है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो आपके बलोटा में लिखा गया है उस हिसाब से सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं चाहिए, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, PhD नहीं करनी है। सो यूजुअली पंचायती राज सिस्टम के बारे में आपने अपनी पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और आपका अगर अच्छे से रिविजन हो चुका है तो आपके आर्टिकल्स कौन से शेड्यूल है वो ऑलरेडी आपको पता है। आज हम हिमाचल प्रदेश की जर्नी देखने वाले हैं, हिमाचल में कौन कौन से एक्ट आए हैं वो देखने वाले हैं। इससे पहले एक थोड़ी सी भूमिका ज़रूर बांधेंगे कि किस तरीके से जो आपके पंचायती राज सिस्टम है इसका एवोल्यूशन हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हल्का सा आइडिया लेते हैं। आइडिया इज़ हिमाचल में क्या है। हिमाचल में आपके 12 जिला परिषद हैं, 78 पंचायत समितिज हैं एंड देन 3226 ग्राम पंचायत है। सो ये है आपका सेंसिस के हिसाब से। तो अगर आपका एग्जाम आता है तो ये जो नंबर ऑफ ग्राम पंचायत हैं ये बड़े हैं, नो डाउट बड़े हैं, लेकिन अगर सवाल आता है तो यही लिखना है क्योंकि सेंसिस जो है यहाँ पर आपका वही माने हैं, अभी उसी का जो फिगर है वो यूज़ किया जाएगा। अभी पंचायत ही राज होता क्या है, ये जो व्यवस्था है इसकी बात कैसे आई। तो देखिए एक शब्द है डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जो पावर है वो आपके कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए उसका, उसका वो जो है वो बटी होनी चाहिए अलग अलग स्ट्राटास के बीच में। सेंटर है, देन स्टेट है, देन आपका ग्रास रूट लेवल पे क्या है, आपका पंचायती राज है, पंचायत है। इसमें क्या है, जो लोग हैं उनमें ही, उनके ही लीडर्स जो है खड़े होते हैं, उनको ही चुना जाता है, वो ही अपने आप में रूल करते हैं। तो गांधी जी तो काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट किया करते थे। वो क्या कहते थे कि जो आपकी बड़ी गवर्नमेंट है, सेंटर है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, लोग खुद को ही रूल करेंगे, सेल्फ रूल रहेगा और जो आपका विकास है वो यहाँ पर होगा। लेकिन बहुत ही एक यूटोपियन आइडिया है। यूटोपियन क्या होता है, यूटोपिया होता है परफेक्ट वर्ल्ड। अगर आइडियल सोसाइटी है तो उसमें बहुत अच्छे से सेल्फ गवर्नमेंट काम करेगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा। तो पंचायती राज जो है ये कैसे आता है, तो पंचायत की सबसे पहले इसमें हम फेजेस देखते हैं, 52 से 66 का, देन आपका 1966 से थोड़ा सा आगे तक, देन आपका 68 वाला एक्ट आता है और इस तरीके से आपकी अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। जो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। दिस वॉज द टाइम जब आपके पंचायत्स को यहाँ पर मान्यता मिली कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, पहले उनके पास में संवैधानिक जो शक्तियाँ है वो नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी, क्योंकि सिंस ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं तो उसको इंश्योर करना था, इसी के लिए यहाँ पर ये अमेंडमेंट लाया गया था, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर टाइम पीरियड्स हैं, इनके बारे में मैं आपको ऐसे बता दूंगी, ये जो दो यहाँ पर फेजेस हैं थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट, ओके। ये जबकि आपके जो एक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, इनको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं 1952 से 56 तक के बीच में। तो 1952 और 56 के बीच में क्या हुआ, पहली चीज़ हिमाचल आपका पार्ट सी स्टेट था, है ना,
पार्ट सी स्टेट था, तो यहाँ पर जो आपकी पंचायत है वो कैसे बैठती थी, बैठती थी एक कमेटी का नाम आपको याद होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी। सो उनसे क्या कहा गया, उनसे कहा गया कि आप देखिए जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसको इंश्योर कैसे किया जाए, जो आपका जो पंचायत है उसमें किस तरीके के चेंजेस लाए जाएं। सो इसमें इन्होंने बहुत सारी आपकी रिकमेंडेशन दिए हैं जिनको माना भी गया, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसमें बताई गई, जो आपकी पंचायत है वो किस लेवल कैसे बैठेगी। तो जो आप जैसे आपकी पॉपुलेशन बेसिस पे होगी, 1500 पॉपुलेशन है तो 5 पंच बैठेंगे, देन अगर 2500 है तो 7 पंच बैठेंगे, जो मैक्सिमम आपकी हम स्ट्रेंथ की अगर बात कर रहे हैं तो वो 15 रहेगी इंक्लूडिंग द प्रधान एंड द उपप्रधान। तो इस तरीके की बातें इसमें की गई। सो पहले हम अपना 1952 से लेके 56 का फेज देखते हैं, इसमें क्या हुआ कि हम क्या हुआ करते थे, एक पारसी स्टेट हुआ करते थे, पारसी स्टेट था। उसके अलावा यहाँ पर आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला करते थे, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पर 600 ग्राम पंचायत एंड देन इज आपके 600 न्याय पंचायत बनाए गए थे। तो ये डिफरेंस क्या था, जो आपकी ग्राम पंचायत है उनके पास में एग्जीक्यूटिव पावर हुआ करते थे, एंड देन इज आपका जो न्याय पंचायत है जैसे डिस्प्यूट्स होते हैं जो सब जुडिशियल वर्क है वो ये देखा करते थे। सो इस तरीके से आपके पंचायत जो राज सिस्टम है ये उठकर आता है। ग्रास रूट लेवल की हम बात करते हैं इसमें। फिर आपका 56 से 66 के बीच में क्या हुआ, हम एक यूटी बन गए और बहुत सारे चेंजेस ऑल इंडिया लेवल पर भी आने लगे। एक कमेटी बैठी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी, ये आपने पढ़ा भी होगा ऑलरेडी। सो इस कमेटी ने क्या किया, इसने यहाँ पर बोला कि बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए, बहुत तरह तरह की बातें की गई। तो किस तरीके के कि किस तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इंश्योर किया जाए ग्रास रूट लेवल पे, तो किस तरीके से किया जाए, तो यहाँ पर उन्होंने पॉपुलेशन के बेसिस पे कहा 1500 की पॉपुलेशन है तो 5 पंच बैठेंगे, देन आपकी 2500 की पॉपुलेशन है तो कितने 7 पंच बैठेंगे, इसी तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके अलावा 15 आपके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे इंक्लूडिंग द प्रधान एंड द उपप्रधान। सो ये थी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी। फिर क्या होता है हम देखते हैं, जो आपका 1978 में आपकी जो जनता सरकार थी वहां पर एक और कमेटी बिठाई जाती है, अशोक मेहता कमेटी। इन्होंने भी बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए लेकिन उसको जो है यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही जो आपकी सरकार है वो कोलैप्स कर जाती है एंड फाइनली ये यहाँ पर रह जाता है। तो इस वक्त तक क्या है कि आपकी संविधानिक शक्तियाँ नहीं दी गई हैं किसको, आपके इनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। एक और जो एक अच्छी यहाँ पर कमेटी आपको याद होनी चाहिए 1985 में, कौन सी, एल एम सिंघवी कमेटी बैठी थी। तो ये भी आपने पॉलिटी में अच्छे से पढ़ी होगी। द होल आइडिया इज कि किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है फाइट कर रहे थे अपनी पावर के लिए, अपनी मोर ऑफ ऑटोनॉमी के लिए, कि हम जो हैं खुद ही यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर सेल्फ रूल, ये शब्द जो हैं आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। देन आपका हम आगे एक और चीज़ का देखेंगे, 1978 के एक्ट में क्या हुआ था, जो न्याय पंचायत हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया था एंड जो है आपका सारा का सारा काम ग्राम पंचायत के पास में आ गया था। तो ये आपका सिनेरियो है। हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपका पंचायती राज एक्ट कब आया था, 1968 में आया था। तो अगेन वही आपके लेवल्स बनाए गए, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होगी, देन ब्लॉक लेवल पे आपके जो है पंचायत कमेटी होगी, एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगे। सो बहुत सारी पावर सिंस 1968 है, मैंने बताया 1978 तक आते आते आपकी न्याय पंचायत हटेगी। जो जुडिशियल वर्क है वो अभी भी आपकी न्याय पंचायत देख रही है। उसके अलावा ये जो तीन आपके टीयर्स बन गए, तीन लेवल बन गए, इनको अलग अलग आपके स्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स दिए गए। उसके अलावा हम अगर बात करें तो पंचायती इलेक्शंस भी होने लगे बहुत सारी ग्राम पंचायत में। एंड अगर हम देखें तो आपके जैसे जो पंचायत है ये पहली बार कहाँ पर, राजस्थान में बनी थी, वहाँ पे इसका जो एक एग्जिस्टेंस में यहाँ पर पंचायत आई थी। तो फाइनली जो हिमाचल में ये 1968 में आती है, जबकि राजस्थान में जो पहली है वो आपके 2 अक्टूबर 1959 में एग्जिस्टेंस में आई थी, राइट। फिर आती है आपकी इसकी पंचायती राज एक्ट की लाइक लाइफ चेंजिंग अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 1992 का 73rd अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ, इसमें बात की गई पंचायत को अगेन वही आपका विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देन अगेन आपके पॉपुलेशन बेसिस के ऊपर। ये आप जो हैं पॉलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बेसिकली जो बहुत सारे पावर्स हैं, जो शक्तियाँ हैं और जो आपके अलग अथॉरिटीज़ हैं, ये सब मेंशन किए गए इसमें, ठीक है।
टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि कौन सा एरिया है वहाँ पर किस तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन किए जाएंगे, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी। उसके अलावा जो है यहाँ पर आपके रिजर्वेशन की भी बहुत सारी बातें की गई। देन जो इसका टाइम पीरियड है वो 5 साल है, कहाँ मेंशन किया गया है, आर्टिकल 243, ये ए बी सी डी देख लेना है अच्छे से। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 50% एट प्रेजेंट यहाँ पर रिजर्वेशन विमेन को दिया जाता है, जिसके बेसिस के ऊपर वो मांग भी करती हैं कि पंचायत लेवल पे दिया जाता है तो और जगह भी देना चाहिए। सो इट वॉज मोर ऑफ अ लैंडमार्क वाला सिचुएशन। देन स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया, लेटर बनाया गया, लेकिन जो है बना यहाँ पर। सो वैसे ही आपका आर्टिकल 243 आई के अंडर क्या बात की गई कि ग्राम पंचायत को कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बेसिकली दी गई, कुछ कुछ रेवेन्यू है जो आप इकट्ठे कर सकते हैं और वो पंचायत में काम पर लगाए जा सकते हैं। देन इज आपका द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, इसमें रिजर्वेशन दी गई शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल नंबर याद रखना है 243D। तो यहाँ पर आपके जो सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर रिजर्व किए गए, देन वेमेन के लिए यहाँ पर रिजर्व किए गए, जो चेयरपर्सन है उसके लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफिस में दी गई है। पावर अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज आई टोल्ड यू, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा, लेकिन वही है ग्रास रूट लेवल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो स्कीम्स हैं जो इनको सेंटर से पैसा आता है, स्टेट से पैसा आता है, खुद कलेक्ट करते हैं, वो कहाँ पर लगाना है, वो लगाना है अपनी विकास में, अपने जो भी वहाँ पर आपका कोई भी स्ट्रक्चर है। बहुत तरीके की ग्रांटिंग्स आती हैं, जैसे आपको पता भी होगा कि सोलर लाइट आई है, यूजुअली हम सुनते हैं कि पंचायत में सोलर लाइट्स दी जाती हैं, देन गोबर गैस के कनेक्शंस दिए जाते हैं आजकल, इस तरीके से जो छोटे वाले वो आपके खेतों में ट्रैक्टर चलाने वाले होते हैं वो ग्राम पंचायत में। तो बहुत कुछ बड़े हम विकास की बात नहीं कर रहे, छोटी चीजें जो आपकी पंचायत को जिस चीज की जरूरत है वो चीज़ें यहाँ पर जो है यहाँ पर वो ले सकते हैं। कभी कभी वो बड़े वाले जो उनके फंक्शंस के लिए बर्तन होते हैं वो लिए जाते हैं, तो फिर वो आपके जो भी जंज घर है वहाँ पर रखे जाते हैं, बाद में सब लोग जो है बारी बारी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि जो विलेज है, जो भी आपकी पंचायत है छोटी सी, उसके अंदर किस तरीके से कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए, ये आपकी पंचायत यहाँ पर इंश्योर करती है, राइट। फिर बात करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ की। अब देखिए, हमेशा हम एक विलेज तो नहीं रहेंगे, पंचायत तो नहीं रहेंगे, एक दिन ऐसा होगा जब विलेज से आपका टाउन बनेगा, टाउन से आपका सिटी बनेगा, एंड फाइनली जो है आपका जो है अर्बन एक यहाँ पर बॉडी निकल कर आएगी। सो 74th अमेंडमेंट 1992, 73, 74 ऑलमोस्ट साथ में ही हुए थे, इन्होंने बात की कि जब वो आपके जो आपकी विलेज की बॉडीज हैं, पंचायत हैं, ये आपका अर्बन एरिया बन जाएगा, बड़ी बन जाएगी, तो क्या होगा, तो वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनेंगी या आपकी म्यूनिसिपैलिटी बनेंगी। देन हम बात करते हैं 74th अमेंडमेंट की, तो ये भी अगेन एज आई टोल्ड यू साथ में आया था, इसमें भी जो आपका पॉपुलेशन बेसिस पे, अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन बेसिस पे ही यहाँ पर इसमें डिविजन किया गया, लेवल्स 3 बनते हैं, आपका नगर पंचायत है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, आपके अर्बन एरियाज के ऊपर और पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर। 26 हमारे पास यहाँ पर नगर पंचायत हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो 3 हैं, पहले 2 हुआ करते थे, अभी सोलन जो है वो रिसेंटली ऐड इसमें किया गया है, और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम तरीके का रिजर्वेशन दिया जाता है विमेन को भी एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को भी। उसके अलावा जो है जो चीज़ें चेंज हुई वो सिर्फ ये आपकी नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इस तरीके की लोकल बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, कैंटोनमेंट बोर्ड हमारे बने हुए हैं ब्रिटिश टाइम से ही, है ना, हमने कितनी बार पढ़े हैं, फिर टाउनशिप है, पोर्ट ट्रस्ट है एंड स्पेशल पर्पस एजेंसीज हैं, तो इस तरीके की लोकल बॉडीज़ होती हैं। फिर आ गई बात की इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको पता है, मैंने बहुत सारी चीज़ें गिना दी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, लोग जो है खुद को रूल करना चाहते हैं, वो अपने एरिया के बारे में ज़्यादा जानते हैं, अब कोई बाहर से उठाकर उनको बेसिकली एक छोटी सी पंचायत में रूल करने के लिए आएगा, उसको नहीं पता होगा कि क्या किस तरीके की ज़रूरतें हैं। अब एक राजस्थान से कोई लीडर आता है और वो आपके हिमाचल के किसी एरिया को रूल करना शुरू कर देता है या मतलब वहाँ पे हेड करता है, तो वो कैसे देखेगा, उसको नहीं पता होगा बहुत सारी तरह की चीज़ें। सो इस तरीके से हम आपस में ही सेल्फ रूल करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, किस तरीके से फीलिंग ऑफ फ्रीडम रहती है उनको, कभी भी एक पावर जो है उसका दबाव देखने को नहीं मिलता है, उन्हें पता है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से होगी।
फिर अब इसमें ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सही ही हैं, शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। सबसे पहली आती है इलिटरेसी। इलिटरेसी यानी कि इसमें बहुत जगह मेंशन नहीं किया गया है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको अगर पंचायत में इलेक्शंस में लड़ना है। तो कई कई स्टेट्स में किए भी गए हैं कि 10th एटलीस्ट होनी चाहिए, लेकिन कई जगह नहीं किया है। तो इलिटरेसी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस देखा गया है। फिर इसमें हम बात कर सकते हैं नेपोटिज्म की, जो फैमिलीज़ हैं वही चलती आ रही हैं। उसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है जो विमेन, जैसे हम बात कर रहे हैं कि उनको इसमें रिजर्वेशन है, तो वो खड़े होके लड़ लेती हैं, लेकिन रूल जो है, जो प्रॉपर आपका इम्प्लीमेंटेशन है, जो सारा काम है, वो उनका पति देखता है। तो ये एक जो रिजर्वेशन है उसका सही यूज़ नहीं हो पाया, सिंस इट वॉज फॉर वुमेन, सो दैट दे कैन कम आउट शेयर देयर ओपिनियंस एंड लेट द पंचायत डेवलप। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो उनको सिर्फ एक रिजर्वेशन के लिए टूल यूज कर लिया गया। जो रूल है या जो उनका पूरा दारमदार है, वो कौन देख रहा है? उसका पति देख रहा है। सो इस तरीके से हमारे पास में कुछ इसमें शॉर्टकमिंग्स भी आपके रहते हैं। सो गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके अलावा पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम तो होगा, आज नहीं होगा, कल होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट।